टेंथ स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे पास एक क्यूब है। इस क्यूब की एक साइड दे रखी है एल यूनिट, इसके अंदर हेमिस्फीयर है, वो पूरा पूरा इसके अंदर फिट है। इसका मतलब हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो भी एल यूनिट हो गया और रेडियस होगी इसकी एल बाई टू यूनिट। अब हमने इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो उसके लिए हम फार्मूला बनाएंगे। सबसे पहले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6L स्क्वायर, फिर हम लोग 2 पाई आर स्क्वायर एक सर्कल, उसके बीच में से जो हेमिस्फीयर है हेमिस्फीयर में से सर्कल को माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा हमारे पास जो बीच में डिप किया हुआ है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एल स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया, एल स्क्वायर बटा में 4, ये हो जाएगा 24 प्लस में एल, एल स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया तो 24 प्लस में पाई यूनिट स्क्वायर। अब आप अगला देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा कैप्सूल है। कैप्सूल की शेप क्या होती है, बीच में सिलेंड्रिकल पोर्शन और दोनों तरफ हेमिस्फीयर। तो ये हमारा कैप्सूल है, इसकी टोटल लेंथ 14 है, इसमें से ये 2.5 है, ये 2.5 है, इसको हम बीच में से माइनस कर देंगे तो वो हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगी 14 - 5/2 × 2 = 9 mm, और इसकी रेडियस होगी 5/2। अब हमने निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। इसके लिए हम सिलेंडर का कर्वड सरफेस एरिया लेंगे 2πRh, फिर हम एक स्फीयर का लेंगे 2πR², उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4πR², उसको बीच में ऐड करेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई करके इसको ऐड किया और वो आ गया हमारा 220 mm². इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको टेंट दिखाई दे रहा है। नीचे का क्वेश्चन जो है वो सिलेंड्रिकल है और ऊपर का क्वेश्चन जो है वो कॉनिकल है। नीचे के क्वेश्चन की सिलेंडर की हाइट 2.1 है और रेडियस हमारी 2 है, और ऊपर के कॉनिकल क्वेश्चन की रेडियस भी 2 होगी और उसकी सिलेंडर हाइट 2.8 है। इसका हम कर्वड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, पहले कोन का फिर सिलेंडर का, दोनों को ऐड कर देंगे, वो टैंक के कनवास का एरिया आ जाएगा, फिर हम उसकी कॉस्ट निकालेंगे। तो देखेंगे टोटल सरफेस एरिया पाई आर एम, ये हमने सिलेंडर का कर्वड सरफेस एरिया का फार्मूला लगाया, इसमें हम ऐड करेंगे 2πRh, ये हम सिलेंडर का लगा रहे हैं, दोनों को ऐड करके ये हमारी कैलकुलेशन आ गई 44 m². अब कनवास का एक्सपेंस निकालना है, 1 m² का आपको एक्सपेंस दिया हुआ है 500, तो 44 m² का एक्सपेंस हो गया हमारा 22,000। दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ कनवास जो आप लोगों का उस टेंट पर यूज हुआ है। अब आप ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी अच्छी तरह से विद एग्जांपल कर सकते हैं, और जब भी आपका स्कूल लगेगा आपने ये पूरी दिखानी है। डेट्स